सेहत इज स्पॉन्सर्ड बाय मार्क लैब इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच। मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपके हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे उस कंडीशन के बारे में जिसमें आपकी स्किन के अंदर ही चर्बी की गांठें बन जाती हैं। इसका नाम है लाइपोमा। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, अकल दाढ़ के बारे में आपको ये बातें पता थी क्या। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे फ्रोजन फूड को पिघलाते समय ये गलती एकदम ना करें। हमें ललन टॉप के कई व्यूअर्स के मेल्स आए जो लाइपोमा से परेशान हैं। वो चाहते थे हम इसके बारे में बात करें, इसका इलाज पता करें। अब सच बोलूं तो इन मेल से पहले मुझे खुद को नहीं पता था कि लाइपोमा होता क्या है। मैंने रिसर्च की तो पता चला ये एक स्किन कंडीशन है और मैंने काफी लोगों में ये देखी है, बस इसका नाम नहीं पता था। इसमें स्किन के अंदर गांठ बन जाती है शरीर में कहीं भी। अब ऐसा लगता है जैसे स्किन के अंदर ही कहीं कोई बॉल है। अब अगर बात गांठ की आती है तो एक डर हमेशा मन में आ जाता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो लाइपोमा क्या होता है और क्यों होता है, पहले तो वो जान लेते हैं। लाइपोमा चर्बी के गांठ होते हैं। फैट सेल्स के बढ़ने के कारण मसल और स्किन के बीच में ये फैट सेल्स ग्रो होकर एक चर्बी का गांठ बनते हैं। स्किन में होने वाली सबसे कॉमन ट्यूमर है लाइपोमा। सारे लाइपोमास बिनाइन ट्यूमर होते हैं, ये कैंसरस ग्रोथ नहीं है, ना इनमें दर्द होता है ना ही ये फैलते हैं। लाइपोसार्कोमा एक कैंसरस कंडीशन है जो 1% से भी कम लाइपोमा केसेस कन्वर्ट होकर लाइपोसार्कोमा बनते हैं, इसलिए इनका जांच करना जरूरी है। लाइपोमा होने का एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है, कोई साइंटिफिक एविडेंस हमें आज नहीं मिला है जिससे हम ये प्रूव कर सके कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। बट कुछ आम तौर पर जो हमें दिखते हैं केसेस जिसमें लाइपोमा होते हैं वो है जेनेटिक, यानी कि आपकी फैमिली में अगर किसी को लाइपोमा होने का इतिहास हो तो चांसेस है कि आपको भी हो सकता है। दूसरा, चोट लगने पर भी आपको लाइपोमा उस जगह पर आ सकता है जिस जगह पर चोट लगी है, इसका भी कोई ठोस एविडेंस नहीं है बट हाँ आमतौर पर देखा गया है। तीसरा है मेटाबॉलिक, यानी कि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो, डायबिटीज हो, मोटापा हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, इन केसेस में भी लाइपोमा बनने के चांस होते हैं। लाइपोमा क्या होता है, चलो ये तो पता चल गया, अब इसका इलाज क्या है ये जान लेते हैं। ये शरीर में कहीं भी उग सकती हैं, गर्दन में, चेहरे पे, पीठ पे, हाथों पे, पांव पे, पेट पे, कहीं भी, इवन के शरीर के अंदर भी उग सकती हैं। एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं डिक्रम्स डिजीज, जिसमें शरीर में मल्टीपल लाइपोमास होते हैं। इसकी लक्षण क्या है, यूजुअली ये कोई लक्षण नहीं रहते, यही इनका मेन लक्षण है कि ये गांठ सा शरीर में रहता है जिसमें कोई ना दर्द है, ना उसमें कोई ब्लीडिंग है, ना कोई पानी निकल रहा हो, ऐसा एक गांठ जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है शांत सा, जो कि बहुत धीरे धीरे उगता है, यही इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लाइपोमा छोटे साइज के भी हो सकते हैं, बड़े साइज के भी हो सकते हैं। ये यूजुअली मेल्स में ज़्यादा, यानी कि मर्दों में ज़्यादा पाए जाते हैं। 100 लोगों में 1 से 2 लोगों को लाइपोमा की बीमारी यूजुअली रहती है। इलाज मुख्यतः सर्जरी है, इसको चीरा लगा के इसको निकाला जाता है और फिर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। कुछ और इलाज रिसेंट एडवांसेस में ही है, जैसे कि इंजेक्शन थेरेपी, जिसमें लाइपोमा के इंजेक्शन लगाया जाता है जो उसको डिजॉल्व कर देता है, या तो आजकल बड़े लाइपोमास में वेजर लाइपोसक्शन का भी सहायता ली जाती है बड़े लाइपोमास के, जिससे कि स्कार मच अच्छा रिजल्ट आए। डॉक्टर साहब की इन बातों पर जरूर गौर करिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अकल दाढ़, जिन लोगों की ये निकल चुकी है उन्हें मालूम होगा कि कितनी दुखदायी होती है ये। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अकल दाढ़ निकल आई मतलब आपको अकल आ गई, पर अकल दाढ़ का अकल से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये थोड़ा लेट निकलती है, जब आप बड़े हो जाते हैं तब, आमतौर पर 17 से 25 साल के बीच निकलती है। हाँ, कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना अकल दाढ़ के ही पैदा होते हैं। लगभग 35% लोगों की अकल दाढ़ आती ही नहीं है। अब अकल दाढ़ बेसिकली 4 दांत होते हैं जो आपके जबड़े के बिल्कुल पीछे निकलते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और ये फ्लैट होते हैं एकदम।
10 में से 9 लोगों के ये जो दांत होते हैं अकलदाड़ वाले, वो इम्पैक्टेड होते हैं, यानी इनके निकलने के लिए मुंह में जगह नहीं होती, इसलिए बगल वाले दांत में ये घुसने की कोशिश करते हैं। अब जिसके कारण आपको इतना दर्द होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए कई लोग इन्हें निकलवा भी देते हैं। अब कई थ्योरी ऐसा कहती है कि पहले ज़माने में, हजारों साल पहले, जब इंसान शिकार करता था या कच्चा खाना खा जाता था, तब इन दांतों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उनका जो खाना था उसके कारण उनके जो दांत थे वो जल्दी घिस जाते थे, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती थी। तब ये अकलदाड़ जो बाद में निकलती थी काम आती थी, पर समय के साथ डाइट बदली, जितने दांत हैं उनमें ही मैनेज हो जाता है। हालांकि इस थ्योरी पर साइंटिस्ट की अपनी अपनी राय भी है। तो अगर आप अपनी अकलदाड़ से परेशान हैं, तो डेंटिस्ट जो है उनकी आपको एक सलाह है कि इसे निकलवा दीजिए, कोई फायदा नहीं है इनका। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हम लोग अक्सर बाजार से फ्रोजन फूड लाते हैं, लाकर उसे बाहर छोड़ देते हैं पिघलाने के लिए, फिर उसको पकाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी फ्रोजन फूड लाएं, चिकन, मटन या कुछ भी, उसको पिघलाने के लिए ना बाहर मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। उससे बेहतर है आप उसे फ्रिज में रखिए और वहाँ नॉर्मल होने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि उस पर बैक्टीरिया ना पनप पाए। उस वक्त जो फ्रिज का तापमान है उसे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, नहीं तो आप उस खाने को ठंडे पानी में या फिर माइक्रोवेव में भी पिघला सकते हैं। बस उसे बाहर मत छोड़िए रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि वो खाकर आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सेहत में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उसपे हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।